आज मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ वायनाड की गलियों में और वहाँ की ब्यूटी दिखाता हूँ। तो स्टे ट्यून एंड वेलकम टू माय चैनल टेंथ राइडर, दिस इज ज्ञानेश तिवारी। से दो जीव दिख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा व्यू है। एक छोटा सा वैली है जहाँ पे हम लोग रुके हैं और ये नदी थी, स्ट्रीम थी, जो भी थी, मतलब है तो नदी, काफी तेज फ्लो वगैरह। हमने कहा यहाँ वीडियो बना लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बानासुरा डैम। इतनी साफ सुथरी रोड है, कोई पैचेस नहीं है, पॉट होल्स नहीं है, ग्रेवल नहीं था कहीं पे भी। तो केरला की रोड को भाई साहब नंबर अगर 5 में से देने हैं तो मैं तो 5 ही दूंगा यार। बस थोड़ी सी वाइड नहीं है, लेकिन आई थिंक जितना यहाँ पे ट्रैफिक का लोड है रोड के ऊपर उस हिसाब से बड़ी बढ़िया बनी हुई है, लोग तमीज से चला रहे हैं। तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं बानासुरा डैम के पास, जो बहुत करीब है। ये पार्किंग है, बारिश हो रही है, हम लोग खड़े हैं बानासुरा डैम का पार्किंग के अंदर। और ये मेरे साथ इनेश जी जुड़ गए हैं जो मेरी गोदी में। बारिश बहुत हो रही है, हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ आकर के जो हमने व्यू देखा, गाड़ी पार्क कर दी हम लोगों ने और मन बना लिया कि जाना है। इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, यहाँ पर अगर आप मानसून में आ रहे हैं तो आपको छाते की ज़रूरत होगी, और छाता यहाँ पे रेंट पे मिलता है। तो हम लोग छाता लाना भूल गए थे, रखा था लेकिन पैक नहीं किया, तो यहाँ से हमने रेंट पे ले लिया 30 रुपीज़ ईच। और ये आगे आपसे टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेना होगा। सो सुमित जी जाएंगे या कोई जाएगा, टिकट लेकर के आएगा भैया। टिकट ले लिया, 40 रुपए की परवंदे की टिकट पड़ी है। तुम्हारी भी टिकट है? तुम्हारी टिकट है क्या? पूछा तुमने किसी से? जो भी वायनाड आते हैं अपनी पिक्चर जरूर लेता है। आई लव वायनाड। तो अगर आप वायनाड आए तो इसे मिस बिल्कुल ना करें, हम भी कतार में हैं। बहुत तेज हो चुकी है और हम लोग सोच रहे थे पहले ट्रैक करके जाएंगे धीरे धीरे वॉक करके, लेकिन यहाँ पे 25 रुपीज पर पर्सन ट्रैवलर वैन अवेलेबल है। सामने खड़ी है हमारी वैन। रास्ता थोड़ा सा स्लिपरी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सावधानी बरतते हुए जा रहे हैं उस तरफ। सुगी और डैडा बस में आ चुके हैं और हम लोग टेम्पो ट्रैवलर में बैठ चुके हैं। इतनी बारिश में भैया हमारी तो हिम्मत है नहीं जिप लाइन करने की। तूफान में हम लोग फंस गए हैं, हवा इतनी तेज चल रही है कि हमने छतरियां सामने लगाई हुई है, छतरियों का सपोर्ट लिया हुआ है, और हर जगह आपको छाते ही छाते दिखेंगे। और अगर मैं आपको सामने का व्यू दिखाऊं तो सामने का बड़ा ही बेहतरीन व्यू है। ड्रिजल कर रहा है, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। गिम्बल हम लोगों ने निकाल दिया है क्योंकि गिम्बल को थोड़ा सा यूज़ करना डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन मतलब बहुत ही अच्छा है, थोड़ा और एंजॉय कर सकते थे अगर मौसम अच्छा होता और बारिश ना होती। अब बस हम यहाँ से निकलेंगे, अब हम जाएंगे ग्लास ब्रिज और वहाँ से फिर हम निकलेंगे। तो गाइस हम लोग निकल लिए हैं बानासुरा डैम से। प्लान में हुआ है थोड़ा सा चेंज, बेसिकली ग्लास ब्रिज पहुँचते पहुँचते हम लोग लेट हो जाएंगे, 6 बज जाएंगे और तब तक वो ग्लास ब्रिज की एंट्री बंद हो जाती है। हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोग वैथरी एक जगह है वहाँ पर हम लोग टी गार्डन के अंदर पे रुकेंगे और हम लोग सुबह सुबह निकल जाएंगे अपना ग्लास ब्रिज वहाँ पे देख करके, और फिर सीधे हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे कोयम टूर के लिए। तो चलिए फिर यहाँ का स्टे आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये जगह है टी प्लांटेशन के बीच में जो हम लोगों ने बुक की थी। अभी जस्ट मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि कौन है यहाँ पे बंदा जो कि अवेलेबल है। गाड़ी तो मैंने ऊपर पार्क कर दी है, इसके ऊपर ये रूफ टॉप के ऊपर गाड़ी की पार्किंग है। और ये जगह है, कोई आ जाए तो फिर मैं देखूँ, फिर उसके बाद हम शाम को आपको व्यू दिखाते हैं। व्यू मुझे तो यहाँ से बढ़िया लग रहा है, पता नहीं कौन सा हमारा रूम देने वाले हैं। ये ऊपर भी ठीक है, और अगर नीचे मिले तो इसके अंदर भी नीचे बालकनी वगैरह बनी हुई है, आपको टी गार्डन का बढ़िया सा व्यू मिल रहा है। बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है क्योंकि ये पूरा स्लिपरी है, गाड़ी नीचे आ नहीं सकती, और मैं भी स्लिप होते होते बच गया, बच्चे भी हमारे पास। तो देखते हैं, बाकी जब बंदा आता है तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हाँ, ये जो मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके। सो गाइज ये हमारे रूम की एंट्रेंस है, लेकिन यहाँ का स्टाफ बड़ा ही हेल्पफुल है। पीछे देख रहे हैं बड़ा ही सुंदर टी गार्डन लग रहा है, और चेरी ऑन द आइस ये है कि भाई साहब ये यहाँ पे इन लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया है, सिट आउट एरिया है, इसको कवर भी किया हुआ है। तो बड़ी मतलब अगर मैं दूर से दिखाऊं बड़ी सही फीलिंग आ रही है। देखिए आप साथ में बैठे हो भाई साहब और सामने टी गार्डन है और आप चाय पी रहे हो, तो बड़ी मजेदार सी जगह है। अभी तो हम चाय बगान का आनंद लेते हुए चाय पीएंगे। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही शानदार व्यू, एंड ग्रेट डिसीजन हमारा कि हमने रुकने का। एब्सोल्युटली, आई एग्री, आई एग्री। तो गाइस ये देखिए बहुत ही बेहतरीन व्यू है, बारिश हो रही है।
अरे ये कौन है, ये कौन है? सुगु बाबू अपनी नींद एंजॉय कर रहे हैं, बाहर का जो टी गार्डन का व्यू है बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, सुबह इनको भी करा देंगे सुगु बाबू को। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो गाइस, ये है हमारा जो हमारा स्टे है आज रात का जो होने वाला है। ये यहाँ पे वैत्री हिल्स पैलेस है और यहाँ पे टी गार्डन के जस्ट एडजेसेंट में हम लोग रुके हुए हैं। अच्छी प्रॉपर्टी और मेरे ख्याल से जो प्राइस था ये भी काफ़ी रीजनेबल है। हमने सोचा था कि हम लोग सीधे कोयम्बटूर जाएंगे, लेकिन यू नो यहाँ पे आकर के और टी गार्डन हमने नहीं देखा। एक रात को हम कॉफ़ी स्टेट में तो उतर गए थे, मतलब रुक गए, लेकिन हमने कहा कॉफ़ी स्टेट से होकर के टी गार्डन में भी रुकते हैं। सुबह हो चुकी है और हमारी तैयारी चल रही है। चाय के लिए हमने बोला था तो शायद दूध का जुगाड़ नहीं था, तो हम लोगों के पास ही दूध टेट्रा पैक पड़ा था, तो हम लोग इनको दूध टेट्रा पैक दे रहे हैं ताकि हमारी चाय में पड़ जाए। ये इनकी यहाँ पे किचन है। थोड़ा सा यहाँ पे फूड का थोड़ा प्रॉब्लम है यार, तो रात को भी डिनर था तो डिनर यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग अपनी गाड़ी निकाली और लेकर के आए। और भाई साहब, रास्ता पहाड़ों में अगर आपको चलाने की आदत नहीं हो और आपकी कार भी बिल्कुल नहीं हो, हाथ सेट ना हो, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन चलो जो भी है, रात को गुजर गई रात, अब देखते हैं अब दिन कैसे गुजरेगा। तो यहाँ से जितने बजे भी निकले, थोड़ा सा सीन है कि थोड़ा सा हम लेट हो ही जाएंगे। क्यों लेट हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ से 8-9 घंटे का रास्ता है। जो हमारा ग्लास ब्रिज है वो खुलेगा सुबह 9 बजे, और अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ से क्या सीन है इसकी, वहाँ से जीप्स मिलती हैं, थोड़ी ऑफ रोडिंग होती है जो आपको मेन पॉइंट तक लेकर के जाती हैं। तो वहाँ से 1 घंटा लगेगा, एक आधा घंटा वहाँ घूमने के लिए लगेगा, फिर 1 घंटा वापस आने के लिए लगेगा, तो 3-4 घंटे वैसे ही हो गए, तो 12-1 बज जाएंगे। और फिर वहाँ से जो रास्ता है हमारा वो 6-7 घंटे का और है, तो मतलब कि 7-8 बज सकते हैं कोयम्बटूर पहुँचते पहुँचते, आदि योगी जी तक पहुँचते पहुँचते। सो गाइस, जो 900 कैंडी का वीडियो होने वाला नेक्स्ट वीडियो में होगा, या फिर उसके लिए मैं कल एक वीडियो बनाने वाला हूँ, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो हम लोग क्या करें, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो जो नेक्स्ट वाली हमारी वीडियो होने वाली है विच इज़ गोइंग टू बी पार्ट 3 ऑफ वायनाड, आप लोगों को उसका व्यू नहीं पता लगेगा और आपको पता नहीं लगेगा वीडियो कब रिलीज हुई है। सो बेसिकली दे विल हेल्प यू टू गेट द नोटिफिकेशन। सो रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ घंटी का बटन को दबा दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बहुत ही जल्दी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। तो तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।